नमस्कार, मैं अमित रमेश मुखरे। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। मुझे लगता है बिजनेस शुरू करना ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में पड़ चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक महत्वपूर्ण किस्सा या महत्वपूर्ण बात, जो आपको एक स्टोरी के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप इंटरेस्टेड हो ना इस टॉपिक में? यदि इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इस वीडियो का पहले ही लाइक कर देना, क्योंकि ये टॉपिक आपको एक आई ओपनर पॉलिसी की तरह आपके बिजनेस में यूटिलाइज होगा या आपको बिजनेस में आपके फायदेमंद रहेगा। भाई, किसी भी बिजनेस में पिछले कुछ दिनों से जब मैं कंसल्ट कर रहा था, तो किसी भी बिजनेस में मुझे ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि जैसे मैं पिछले कुछ दिनों में जिस अलग अलग बिजनेस को कंसल्ट कर रहा हूँ कि यार उनका बिजनेस किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो मुझे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, जो प्रॉब्लम मैं आपको आज बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये था कि कुछ 3 महीने पहले या 4 महीने पहले मैं एक हॉस्पिटल को कैंसिल कर रहा, ठीक है। तो एक बार वहाँ के एक डॉक्टर से मेरी बातचीत चल रही थी। मैंने डॉक्टर जी को कहा कि डॉक्टर सर, आप जब किसी भी कस्टमर का जब आप कोई ट्रीटमेंट यहाँ से करवाते हो, तब आप उसका फीडबैक लेना पसंद करते हो या आप वहाँ आपके मेडिकल सिस्टम में आप उसका फीडबैक ले लेते हो? तो उसने कहा, नहीं, फीडबैक फॉर्म होता है हमारा, तो हम उसको एक फिजिकली फॉर्म दे देते ये इसके पहले डिस्चार्ज के पहले, और वो भर के हमें दे देता है, और कुछ रहेगा तो हमारा फिर वो एक बंदा रखा है तो वो देख लेता। तो उन्होंने वो कैजुअली जवाब दिया कि ऐसा ऐसा होता है बस, तो फीडबैक तो ले लेते हैं। तो मैंने बोला, ये सर तो ओपन फीडबैक हो गया कि यार यहाँ बैठे कौन कौन डॉक्टर को गालियाँ देगा। आप घुल मिलकर बातें कर कोई ऐसा बंदा आपके पास है जो फीडबैक लेता है, लोगों से फ्री में बातें करता है, फ्रीली बातें करता है कि यार सर कैसा लगा हमारा सर्विस, अच्छा तो है ना, क्या आप सेटिस्फाई हो बिलिंग से, क्या आप सेटिस्फाई हो हमारे वार्ड नर्स बाय, क्या आप सेटिस्फाई हो हमारे डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना। ऐसा एक फ्रीलांसर बंदा या फ्री बातें करने वाला बंदा चाहिए आपके सिस्टम में, कि जो लोगों से बात करे, जो लोगों से डिस्कस करे, जो लोगों का अपना लगे, जो लोगों को डॉक्टर या हॉस्पिटल मैनेजमेंट और उस पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए कनेक्टिविटी पर्सन बनकर काम करे, तो शायद आपका हॉस्पिटल का बिजनेस बढ़ाने में इसको बहुत फायदा होगा। तो उन्होंने कहा, यार ऐसा तो डेडिकेटेड कोई बंदा नहीं है, वैसे तो हमारा ये रामू है शामू है यही है, सब देख लेते हैं। तो मैंने कहा, सर हमारे हॉस्पिटल का यदि बिजनेस बढ़ाना है तो लोगों का फीडबैक डिस्चार्ज के पहले तो हम लेंगे ही लेंगे, पर उसके बाद भी जब लोग घर जाएंगे, बात सुनिए मेरे, जब पेशेंट्स घर जाएंगे, तब उसके 7 दिन बाद, उसके 15 दिन या 1 महीने के बाद, और उसके 6 महीने के बाद भी हमारा एक PRO होगा जो कस्टमर के या हमारे पेशेंट्स के फीडबैक लेगा। तो बोला, ये क्या बात हुई यार, ये तो कहीं नया ट्रेंड आप सेट करो, ऐसा नहीं होता भाई हमारे फील्ड में। तो मैंने कहा, ये कहाँ के लिख के रेखा है या कहीं अध्याय में लिख के रेखा है कि ऐसी कंसेप्ट ही नहीं होती। मैंने ये कहा कि यार ये नया ट्रेंड सेट करते हैं कि यार पेशेंट को 7 दिन की गोली आप लिख देते और पेशेंट को ही बोल देते 7 दिन के बाद आपको वापस हॉस्पिटल आना है। तो मेरा उल्टा कहना है कि जिस पेशेंट को मैं लिख के दे रहा हूँ कि यार 7 दिन के बाद तुझे हॉस्पिटल आना है, 6ठे दिन 6 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ से एक बंदा उसको फोन करेगा, यार नमस्ते अमित जी, कल आपका ना डॉक्टर इनके साथ अपॉइंटमेंट, डॉक्टर XYZ के साथ, तो आप कल आ रहे हैं ना सर? तो यार कितना अच्छा लगेगा कि यार हॉस्पिटल से मुझे पूछा जा रहा है। कस्टमर फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यार 1 महीना कंप्लीट हो गया, 1 महीने के बाद वापस डॉक्टर के यहाँ से फोन आ रहे, सर हाउ डू यू फील नाउ, आप कैसे हो, आपके ऑपरेट हुआ था, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था हमारे हॉस्पिटल में, ऐसे ही मैंने इंक्वायरी के लिए फोन कर दिया, सर कैसे हो सर, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आपका जो बीमारी थी, जो तकलीफ थी आपको, उससे आप रिलीफ मिल रहा है, जो डॉक्टर ने आपको बोला था फूड मैनेजमेंट करना, एक्सरसाइजेस करना या व्हाटएवर जो भी कुछ कहा था, वो तो आप ठीक तरह से कर रहे हो ना सर? बस यही मैंने पूछा। शायद ऐसा भी होगा कि हम कस्टमर का एड्रेस ले लें और कुछ 3 महीने बाद 6 महीने बाद कस्टमर के उस एरिया में एक PRO को भेजे कि यार इस रोड पे जितने गांव हैं, उतने गांव में जहां जहां हमारे पेशेंट्स रहते हैं, तो जा भाई उनसे मिल, और ऐसे ही उनसे फॉर्मल बात की, कुछ नहीं सर रोड से जा रहा था, तो चला आप तो हॉस्पिटल के पेशेंट, तो आप तो हमारे मेंबर है, आप तो हमारे लाइफ टाइम मेंबर है, तो चलो एक बार आपसे बात की जाए कि सर आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा तो कुछ नहीं सर, एक ग्लास पानी दे दो बस, कोई चाय की या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही आपको मिलने आया था बस, बाकी कुछ नहीं, और निकल जाना है आगे। सर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक पूरे एंटायर किसी भी बिजनेस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ,
तो ये मैं कहूंगा कि हर एक बंदा या हर एक कस्टमर ट्रूली अच्छे फीडबैक देगा ऐसा भी नहीं होगा। कोई लोग आपको गालियां देंगे, कोई लोग आपको चोर कहेंगे, कोई लोग कहेंगे कि यार ये फंसाता है, कुछ भी कह सकता है। पर मेरा ये मानना है कि 10 फीडबैक जो फीडबैक आ रहा है मैनेजमेंट तक, यदि वो फीडबैक हर एक फीडबैक पहुंचता रहे तो शायद ऐसा होता है कि यार कोई मेरे हाथ से गलती हो रही है तो उस गलती को मैं सुधार सकता हूं। जैसे मैंने मेरे उद्योग मंथन प्रोग्राम में किया था, आपने शायद हमारा एक चावड़ी का एक उद्योग मंथन करके एक प्रोग्राम होता है जो फिजिकली और ऑनलाइन दोनों भी माध्यम से होता है। तो एक बार उद्योग मंथन के तीसरे या चौथे पड़ाव में जो मार्च या अप्रैल में होता है, वहां एक लेडीज आकर गई थी, आई थिंक महाराष्ट्र से थी, और वो जब वहां उसने फीडबैक दिया प्रोग्राम में तो उसका रिटर्न में फीडबैक तो बहुत अच्छा था, पर जब वो घर गई और जब 2 दिन या 3 दिन बीत गए तो उसके बाद कंप्लेंट सेंटर को उसके हस्बैंड ने फोन किया और उसके हस्बैंड ने बोला कि यार क्या वो क्या मेरी मेरी बीवी उसके आपके प्रोग्राम में आकर गई और आपने ठीक तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो भाई हमने हमारा कंप्लेंट सेंटर है डेडिकेटेड, तो कंप्लेंट सेंटर की जो मैम थी उन्होंने रिस्पेक्टफुली पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैम को कंसेप्ट समझ में नहीं है, तो मैडम ने डाउट क्लियर नहीं किया, तो बोले नहीं उधर क्या ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में आया कि यार प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रोग्राम के लिए कोई और बंदा आकर गया या मैडम आकर गई, अब वो मैडम उनके हस्बैंड को ठीक तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो हमने डेफिनेटली कोशिश की कि वो मैडम हमारे हस्बैंड को कन्विंस कर पाए, पर हमारा थोड़ा सा वहाँ फेल्यूर आ गया कि यार मैडम वो सर को कन्विंस नहीं कर पा रही थी, और सर अब जो पूरा उद्योग मंथन में क्या सिखाया वो मुझे बताइए क्योंकि मेरी बीवी आई थी उसको समझ में नहीं आया। तो मतलब ये यार कहीं कन्फ्यूज हो रहा है। तो उस एक्सपीरियंस से, हालांकि उस एक्सपीरियंस से हमने सबसे बड़ा रिवोल्यूशन चेंज किया कि यार हमारे हस्बैंड को किस तरह से कन्विंस किया जाए या हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को बिजनेस में किस तरह से कन्विंस किया जाए, इसका एक फॉर्मुलेटेड कंटेंट हमारे हमने उद्योग मंथन के प्रोग्राम में डाल दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये कंसेप्ट ध्यान में आएगा कि यार लोगों को कन्विंस करना, कस्टमर को कन्विंस करना, ये और एक बात है। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम या बिजनेस रन करने के टाइम हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या लगता है, मैं सही बोल रहा हूँ? यदि सही बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली इस वीडियो का भी अब लाइक कर देना, और चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि सर आपकी इस पर क्या थॉट है। तो भाई कंसेप्ट क्लियर है, किसी भी बिजनेस में फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्लेंट डिपार्टमेंट बहुत बहुत जरूरी है। आपकी शॉप हो, आपका बिजनेस हो, आपकी बड़ी कंपनी हो, या आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आप लोगों से फीडबैक लेना सीखिए। उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से हम सुधार सकते हैं या किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इस टाइप की कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए ये मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू, ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तब तक धन्यवाद।